नमस्कार जी हाँ किसान भाई, तो एक बार फिर हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। राजस्थान का मौसम अप्रैल के अंत तक कैसा रहेगा, जानिए कहाँ और किन इलाकों में बारिश की संभावना और कहाँ किन जिलों में आंधी का अलर्ट जारी है और किन जिलों में लू की चेतावनी जारी हुई है। राजस्थान में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को फिर से लू का सामना करना पड़ सकता। अगले सप्ताह 4 डिग्री तक तापमान की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है और अप्रैल के अंत तक 40 डिग्री को छू सकता तापमान। हालांकि 3 दिन तक प्रदेश में कोई किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। उधर देश के कई हिस्सों में आगामी सप्ताह के दौरान बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो यहां 26 अप्रैल से लू चल सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो चुका है, लेकिन लू की स्थिति अभी नहीं है। 25 अप्रैल तक राजस्थान का मौसम सामान्य बना रहेगा, नहीं ज़्यादा तापमान बढ़ेगा और न ही लू का अलर्ट है। लेकिन मौसम की माने 25 अप्रैल तक राजस्थान में कोई किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आसमान साफ रहने से हवा चलेगी और कोई किसी प्रकार का लू का अलर्ट जारी नहीं है। लेकिन उधर 26 अप्रैल से राजस्थान में फिर से येलो अलर्ट जारी किया जयपुर। मौसम की माने तो 26 अप्रैल को भरतपुर, झुंझुनू, करौली और श्रीगंगानगर में लू की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि 27 अप्रैल को भी भरतपुर, झुंझुनू, धौलपुर, टोंक, माधोपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, पाली और जालौर जिले में लू की संभावना जताई जा रही है। 4 डिग्री तक तापमान टेम्परेचर बढ़ने की संभावना लगाई जा रही है और बीते 72 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिरावट की संभावना की गई है। आगामी दिनों में लू का व्यापक असर शुरू होने के बाद 4 डिग्री तक तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क होने के साथ ही गर्मी का तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। गर्म हवा का दबाव बनने के कारण तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है और देश के कई अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना भी लगाई जा रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 3 दिनों तक की कोई किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन 26 अप्रैल से मौसम विभाग ने फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम से सही व सटीक खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना मौसम की सही व सटीक खबर मिलती रहे। आप जहां कहीं भी रहते हो उस जगह का नाम जरूर लिखें ताकि आपके वहां जिले का मौसम की सही व सटीक खबर आपको मिले। धन्यवाद।